फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर, ये देख पा रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन है जो वो अभी शुरू होने वाली है। ये रतन ढाका जी हैं जो कि सोनाली के ब्रदर हैं, और इनसे लगातार यहाँ पे भी पूछताछ हो रही है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस बनाया गया था यहाँ, और फिलहाल एंट्री हो रही है अंदर, और यहाँ पे लैपटॉप कैमरा और कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ से DVR गायब बता रहा हूँ, और हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो मौके के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये देख पा रहे हैं सर, एक मिनट इनको थोड़ा टाइम दे दो, करो आपसे जो सवाल करने आपसे बता दें। ये रतन जी हैं जो यहाँ से DVR गायब हुई है, और पुलिस फिलहाल जांच करते हुए, और पता नहीं अब उस DVR के अंदर से कुछ डिलीट किया गया है या फिर नहीं, क्या पुलिस उसकी रिकवरी करवाने का भी ज़रूर काम करेगी। और यही थे क्या रतन भाई यहाँ पे? रतन भाई ये भाई नहीं, ये तो अपना काम देखता है यहाँ पे काम। ओके काम देखते सर, पंखा बंद कर लें एक बार। देखो हमने तो ऐसे देखा अभी करवाइए, थोड़ा चेंज कर दिया ना खाना, एक मिनट अच्छा। ये तो ऊपर क्या है, ये इसका DVR है ना? ये हाँ DVR है। अपने सारे सिस्टम को मेंटेन करा दिए, एक ही जगह है, लेकिन उसके जितने कैमरे बाहर के जितने कैमरे सभी को मेंटेन करा, एक ही जगह ना थोड़ा सही है बस। ये हमारे है बच्चों के तो खाता हूँ, जैसे तो बिजली का ना हमको ऐड कर सकते हैं लैंड ही होगी। रूम का डायग्राम जो है वो बनाया जाएगा यहाँ पे, और पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए, शायद ये जो रूम है इस रूम का पूरा एक चित्र शायद इसके ऊपर बनाया जाएगा कि कहाँ पर क्या कुछ चीज़ थी, और देखते हैं अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कुछ करती है, और क्या उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा जो व्यक्ति यहाँ से एक DVR एक लैपटॉप लेकर फरार हो चुका है। और ये जस्ट उसी दिन सुबह हुआ जिस दिन सोनाली फोगाट वहाँ पर सोनाली जी की डेथ हुई, और उस दिन सुबह ही यहाँ से एक DVR गायब हुई इसके अंदर से, और एक लैपटॉप था सोनाली जी का जिसके अंदर काफ़ी सारी, हो सकता है कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो जिसके अंदर काफ़ी सारे क्लू हों जिसकी वजह से पर्दाफाश हो जाए कि आखिर ये मर्डर जो है ये क्यों किया गया। ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। फिलहाल मौके के ऊपर हरियाणा पुलिस मौके के ऊपर है, देख पा रहे हैं एक फोन बताया जा रहा है कि एक फोन चोरी है,
एक लैपटॉप चोरी है, और बार बार गुप्त सूत्र जो है वो बता रहे थे कि एक DVR भी चोरी है, लेकिन फिलहाल DVR के लिए मना किया जा रहा है कि DVR शायद घरवालों के पास में है, यानी कि अंडर केयरिंग में है, लेकिन यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं फिलहाल। पुलिस नोट ज़रूर कर रही है कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, और ये देख लीजिए मौके पर रणवीर सिंह जी मौजूद हैं, और बिल्कुल जो आपके पास आ रही है, देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम लगातार इस बात विनोद कुमार जी हैं, और ये DVR है, ये देख पा रहे हैं आप ऊपर जो यहाँ पे DVR लगी हुई थी, बताया जा रहा है कि यहाँ से एक DVR गायब है, और पता नहीं अभी कहाँ पर है, पुलिस जो है वो जांच जरूर कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे रूम का एक डायग्राम बनाया जाएगा, और वो पुलिस यहाँ पे नो डाउट डायग्राम बनाती हुई नजर आ रही है रूम का, कि कौन सी साइड टेबल लगी हुई थी, किस साइड LED लगी हुई थी, और किस साइड DVR लगी हुई थी। तो ये आप देख पा रहे हैं, हमने पहले ही आपको सूचित कर दिया था कि शायद इसके ऊपर कोई डायग्राम बनाया जाएगा जिसके अंदर पूरे रूम की रिपोर्ट रहेगी कि वहाँ पर क्या कुछ था। एक मानचित्र यहाँ पे बनाया जा रहा है पूरे के पूरे रूम का, और ऊपर कैमरे लगे होंगे। देखिए इस कैमरे के अंदर काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड हुई होंगी, जिसकी वजह से शायद उनको डर था कि हमारी पोल ना खुल जाए। यही वो टेबल है जिस टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा गया था, और फिलहाल मौके के ऊपर हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो चेकिंग ज़रूर कर रही हैं, और ये देख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर चढ़ के फिलहाल, ताकि इसको रोका जा सके पंखे को, अब ऊपर चढ़ के ये देखिए, ये कंप्लेंट हुई थी कि भाई यहाँ से एक DVR चोरी है, और ये DVR दिखाने की लगातार कोशिश की भाई